हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करेंट अफेयर्स के इस सीरीज में फ्रेंड्स आपको बता दें कि कुछ टेस्ट जो है वो गैप भी हो रहा है, लेकिन आप उस पर ध्यान न देके आप रिविजन पर ध्यान दीजिए। गैप इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ही के लिए एनसीईआरटी का हम फुल्ली जो जैसे साइंस का डाले हैं उसी तरीका का हर एक सब्जेक्ट का जो हम आपको बोले हैं कि कुछ आपके एग्जाम होने से पहले वो डाल दिया जाएगा, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए टाइपिंग कर रहे हैं ताकि आपके लिए एक बेस्ट कलेक्शन पहुंच सके आपको पीडीएफ के रूप में भी और वीडियो के रूप में भी। फ्रेंड्स तो ये 58 नंबर से प्रैक्टिस है और ये 68वीं बीपीएससी पीटी के लिए, बिहार एसएससी पीटी मेंस दोनों के लिए, बिहार दरोगा पीटी और मेंस दोनों के लिए, और आगामी जो भी रेलवे का एग्जाम होगा या अन्य एसएससी का एग्जाम होगा उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उससे भी ज्यादा हम इसको सॉल्यूशन जो आपको करके दे रहे हैं रिवीजन के तौर पर, आप इसको देखने का पूरा पूरा कोशिश कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी कर दिया कीजिएगा, और वीडियो अगर देखते हैं तो लाइक कीजिएगा, वही आपके द्वारा दिया गया मेरे लिए पारितोषित करना होगा, तो आप जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा नए है तो, और अगर वीडियो लगातार देखते हैं तो इसे शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर इसका पीडीएफ लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहां से डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ का आनंद ले सकते हैं। इसके पीडीएफ के अलावा अन्य कोई भी सेट प्रैक्टिस जो हम एक्स्ट्रा भी डालते हैं एनसीईआरटी का हो, चाहे तो बिहार स्पेशल जानकारियां हो, चाहे तो आपका करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल हो, तो वो पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा और वीडियो भी बना हुआ है, सर्च करके आसानी से उसको भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये 58 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इस क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत कौन सा क्वेश्चन पहला है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान जो किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 अनुच्छेद में किया गया है, तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स बारी बारी से देख लेते हैं सभी का, अनुच्छेद 164 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नियुक्ति की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 164 में किया गया है। 168 की बात कर लेते हैं तो विधानसभा का गठन, सॉरी विधान मंडल के गठन की चर्चा जो है वह अनुच्छेद 168 में किया गया है, जबकि ध्यान देने लगे 176 में जो किया गया है वो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण जो है वह किया गया है 176 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उम्र 65 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, कोई भी न्यायाधीश हो, इनकी सेवानिवृत्ति की आयु की चर्चा जो किया गया है वो 65 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। ध्यान देंगे इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भी बात करें तो वो अनुच्छेद 124 का 2 में, अनुच्छेद 124 का 2 में इसकी चर्चा किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन जो है वो पटना में किया गया था, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, और गांधी जी के द्वारा किया गया था, पटना में किया गया था, कब किया गया था ये भी ध्यान रखेंगे, तो 22 सितंबर 1925 ईस्वी में पटना में गांधी जी के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत तब खो देगा जब उसे पड़े हुए कुल वैध मत का 1/6 भाग, 1/6 हिस्सा अगर वैध मतों का प्राप्त नहीं होता है तो अपनी जमानत राशि भी वह खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसको पद के लिए पद के किसके द्वारा हटाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है, तो ध्यान देंगे उसके उसे संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स संसद के द्वारा अनुच्छेद 61 यानी महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा जो किया गया है वो संसद के द्वारा महाभियोग
महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाएगा, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। अब ये कहें समझेंगे कि महाभियोग क्या है। जब संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध कार्यवाही करनी होती है, उसके कार्यकाल को लेके या किसी भी गैर संवैधानिक कार्यों को लेके, तो ऐसे में महाभियोग की चर्चा किया गया है। इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजी में किया गया है, जो केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए निहित किया गया है। ध्यान देंगे, जब संसद के कोई भी सदन में चाहे तो राज्यसभा में चाहे तो लोकसभा में महाभियोग पारित किया जा सकता है। अब जब पेश किया जाता है तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि 1/4 सदस्य का उस पर हस्ताक्षर होना जरूरी होता है, और उसके बाद जिस सदन में यह प्रस्तुत होता है 2/3 सदस्यों के द्वारा अगर उसे पारित कर दिया जाता है तो वह महाभियोग का प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। क्लियर। अब दूसरा सदन भी उसकी जांच करता है, देखता परखता है और उसका जांच करवाता है, तथा अगर दूसरे सदन से भी 2/3 बहुमत से अगर पारित कर दिया गया तो ऐसे में उस दिन से, जिस दिन 2/3 बहुमत उसे पारित कर दिया दूसरा सदन द्वारा, तो उस दिन से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाती है और राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात का और भी ध्यान रखिएगा, ये सारी प्रक्रिया जो होती है उसके पहले 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को बता दिया जाता है कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जा रही है। यह जानकारी 14 दिन पहले राष्ट्रपति को दी जाती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वह होता है राज्यपाल। फ्रेंड्स आप एक बात समझेंगे, राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद है उसकी चर्चा अगर कर लेते हैं तो रकानी कायोसिस, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद जो होता है वो होता है रकानी कायोसस। अब समझेंगे, रकानी से समझेंगे राज्यपाल। राज्यपाल की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है। सभी अनुच्छेद को ऊपर लिखते हैं और उससे संबंधित शब्द जो है उसको नीचे लिखेंगे। क्लियर। इसका काश ये होता है 154 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो होते हैं ना, राज्यपाल कार्यपालिका के प्रधान होंगे या कार्यपालिका की शक्ति जो होगी वो राज्यपाल में निहित होगी। राज्य के कार्यपालिका प्रधान, कार्यपालिका प्रधान जो होंगे या कार्यपालिका की शक्ति जो होगी राज्य सरकार की, वह राज्यपाल के पास होगा, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में किया गया है। राज्यपाल के नियुक्ति के विषय में जानकारी 155 नियुक्ति, क्योंकि राज्यपाल एक नियुक्ति का पद होता है जिसका नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर। तो नियुक्ति की चर्चा अनुच्छेद 155 में किया गया है, जबकि ध्यान देंगे 156 अनुच्छेद में अगर चर्चा करते हैं तो राज्यपाल के कार्यकाल की चर्चा की गई है। कार्यकाल की चर्चा राज्यपाल का 156 में किया गया है और राज्यपाल के योग्यता की चर्चा जो किया गया है 157 में किया गया है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स 158 में जो चर्चा किया गया है राज्यपाल के सेवा एवं शर्तों की चर्चा जो है वो 158 में किया गया है, जबकि राज्यपाल के शपथ की चर्चा जो किया गया है वो 159 में किया गया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा भी एक ध्यान रखेंगे, 152 में राज्यपाल को परिभाषा को परिभाषित किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक है जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम वह बन जाएगा? तो जब कोई भी विधेयक, तब तक वह अधिनियम यानी एक्ट नहीं बन पाएगा जब तक उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो जाता है। जब कोई भी विधेयक कोई भी सदन में, चाहे तो राज्यसभा में चाहे तो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, अगर दोनों सदन से प्रस्तुत पारित कर दिया गया है उस विधेयक को, तो ऐसे स्थिति में वह विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को एक बार वापस भेज भी सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में किया गया है।
अगर जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति ना करके अगर उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो ऐसे स्थिति में वह विधेयक जो होता है वह विधेयक नहीं कहलाएगा बल्कि वह एक अधिनियम यानी एक्ट का रूप ले लेता है। तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं यानी उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तब वह अधिनियम बन जाता है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, कोई भी साधारण विधेयक कोई भी सदन में, संसद के कोई भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्लियर। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, ऐसा भी कुछ विधेयक है जिस पर अंतिम रूप से राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं होता है। धन विधेयक पर अंतिम रूप से राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं होता है, राष्ट्रपति उस पर पहले ही हस्ताक्षर कर देते हैं, उसके बाद वह संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो संसद द्वारा जब उसे पारित कर दिया जाता है धन विधेयक को, तब वह अधिनियम का रूप ले लेता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ऑप्शन आपका पास है, आठवां संवैधानिक संशोधन में क्या हुआ था, ध्यान रखेंगे। आठवां संवैधानिक संशोधन 1960 ईस्वी में हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया था। इसमें हुआ था अनुच्छेद 334 334 में संशोधन किया गया था, संशोधन किया गया था, ध्यान रखेंगे। अब संशोधन करके क्या किया गया था, तो लोकसभा में और राज्य विधानसभा में एससी एसटी और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण की व्यवस्था को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, क्लियर। तो अनुच्छेद 334 में लोकसभा राज्यसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभाओं में एससी एसटी और एंग्लो इंडियन के विषय में जानकारी दिया गया, आरक्षण के विषय में, तीनों के आरक्षण के विषय में जानकारी दिया गया। तो उस आरक्षण को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया अनुच्छेद 334 में संशोधन करके। यह 1960 ईस्वी में हुआ था। अब ध्यान देंगे 25वां संवैधानिक संशोधन की अगर यदि जो बात करते हैं तो ध्यान देंगे 25वां संवैधानिक संशोधन में क्या हुआ था, तो इसके द्वारा अनुच्छेद 31 के खंड 2 का संशोधन किया गया था। इसके अनुसार अनुच्छेद 31 का खंड 2 में संशोधन किया गया, क्लियर। ध्यान देंगे 25वां संवैधानिक संशोधन 1971 ईस्वी में किया गया था, जिसके तहत अनुच्छेद 31 के खंड 2 में संशोधन किया गया था और अनुच्छेद 31 का ग जोड़ दिया गया था। इसके स्थान पर अनुच्छेद 31 का ग को जोड़ा गया, ध्यान रखेंगे। 42वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था भाई, तो इसमें इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक दो नहीं बल्कि 89 संवैधानिक संशोधन, 89 संवैधानिक संशोधन किया गया था, जिसके कारण से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक जैसे शब्द को भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो अनुच्छेद 44वां संवैधानिक संशोधन है, 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 ईस्वी किया गया था और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है। हुआ क्या था इसमें कि 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो भी अनावश्यक परिवर्तन किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया और यह जनता सरकार के द्वारा समाप्त करके और नए क्रम से सभी चीजों को शामिल किया गया था। ध्यान दीजिएगा, इसी 44वां संवैधानिक संशोधन में संपत्ति के अधिकार को, बड़ा महत्वपूर्ण है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वां संवैधानिक संशोधन के तहत, और अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया संपत्ति का अधिकार को, जो एक कानूनी अधिकार का रूप ले लिया था, क्लियर। इसी 44वां संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य के विधानसभाओं की अवधि को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। पहले इसको घटा दिया गया था लेकिन पुनः फिर से 5 वर्ष का कर दिया गया लोकसभा और राज्यसभा, राज्य के विधानसभाओं को अवधि को 5 वर्ष कर दिया गया, क्लियर।
तो बड़ा इंपॉर्टेंट 44वां और 42वां दोनों हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यह कथन आइवर जैनिंग्स का कथन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत का सबसे बृहत क्षेत्र का वन जो होता है वह उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन के रूप में पाया जाता है। अब ध्यान देंगे भौगोलिक स्तर पर इसका विस्तार कहां होता है, तो 10 से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच होता है, बीच दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन को मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है मानसूनी वन? इसलिए क्योंकि इस प्रकार के वनों में एक ही प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं, जिसके कारण से इनका पतझड़ काल भी लगभग एक ही समय का ग्रीष्म काल का होता है। तो ग्रीष्म काल एक ऐसा समय होता है जहां उस समय में इस वन के सारे वृक्ष जो होते हैं अपने पत्ती गिरा लेते हैं, जिस कारण से इसे पतझड़ी वन के रूप में भी जाना जाता है, और वह एक खास मानसून होता है जिसके कारण से पत्ते आ जाते हैं, जिसके कारण से इसे मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है, और इसका विस्तार 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक विस्तार इसी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वाधिक विस्तार होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें यह भी पूछता है कि किस प्रकार के पेड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस वन में साल, शीशम, चंदन, सागौन, आम, अमरूद, ये सब का पौधा जो होता है वो सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। अच्छा, अगर देखा जाए कि आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा दोहन जो हुआ है, सबसे ज्यादा आपत्ति जो आया है आर्थिक रूप से, तो इसी वन में आता है, क्योंकि इस वन की लकड़ी का प्रयोग जो किया जाता है वो इकोनॉमिक आर्थिक रूप से बड़ा ज्यादा रूप में किया जाता है, जिसके कारण से यहाँ के वृक्ष जो होते हैं उसको काट लिए जाते हैं। तो आर्थिक दोहन जो सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक आर्थिक दोहन जो हुआ है वह इसी वन में किया जाता है, इसी वन के पौधे को सर्वाधिक आर्थिक दोहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो समझेंगे पहले कृष्णा नदी के बारे में, तो आप ये रखिएगा ध्यान कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है कौन कौन, तो अपने आप याद रहेगा कि कृष्णा नदी कौन सी सहायक नदी नहीं है। क्लियर। तो कोयना हो गया, भीमा हो गया, पंचगंगा हो गया, इसके अलावा भी ध्यान रखेंगे घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, अमरावती, मूसी नदी, यह सभी कृष्णा की सहायक नदियां हैं, लेकिन तेल नदी जो है वह महानदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। तो आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यह कृष्णा नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ध्यान देंगे इस कृष्णा नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, लेकिन दक्षिण भारतीय गंगा कहा जाएगा तो वह हो जाएगा आपका गोदावरी नदी। ध्यान दीजिएगा यह इसका उद्गम स्थल, कृष्णा का उद्गम स्थल की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के बलेश्वर में होता है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में इसका उद्गम स्थल होता है, जबकि अगर मुहाना की बात करें तो यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी होता है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के निकट विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो यह भी ध्यान रखेंगे कि कहां गिरती है, तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखेंगे इस कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना
परियोजना जो है इसी कृष्णा नदी पर स्थित है। इसके अलावा भी ध्यान रखेंगे, इसकी लंबाई की भी बात रखेंगे तो लगभग 1400 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई होती है। सतारा और विजयवाड़ा इसके इस नदी के तट पर स्थित शहर में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है, जो पूरे भारत का 76% रबर का उत्पादन अकेले केरल में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किससे होता है? भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक बारिश होती है, जबकि लौटती हुई मानसून से तमिलनाडु में बारिश होती है। तमिलनाडु में बारिश जो होती है वो लौटती हुई मानसून, जिसे ही उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल किसे कहा जाता है, यानी जंक्शन किसे कहा जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ी को पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल कहा जाता है। इस नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू माउंटेन के नाम से भी इसी नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है। अगर इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो इसकी सर्वोच्च जो चोटी जो है वो है दोदा बेटा। अब याद रखेंगे आप, दादा बेटा, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी भी दोदा बेटा है, दूसरी सर्वोच्च चोटी। क्लियर। तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, जिसकी टोटल ऊंचाई की बात करें तो 2637 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जो है वह जोड़ देती है? तो हिंद सागर और लाल सागर को आप याद रखिएगा अल से, बाब अल मंडेल जल संधि, अल मंडेल से याद रखिएगा कि लाल, अल से लाल और हिंद, ऐसे हिंद याद रखिएगा। तो बाब अल मंडेल जल संधि जो है वो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ देती है। वही अगर देखा जाए कि किसको किसको अलग कर देती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि यमन और जिबूती को अलग कर देती है, ध्यान रखिएगा, यमन और जिबूती को अलग कर देती है। यमन जो है वह एशिया में है और जिबूती जो है वह अफ्रीका में है। तो एशिया और अफ्रीका को अलग कर देती है बाब अल मंडेल जल संधि। देश में यमन और जिबूती को अलग कर देती है और महादेश में एशिया और अफ्रीका को अलग कर देती है। मलक्का जल संधि की अगर बात करते हैं तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ देती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर प्लस, प्लस का मतलब जोड़ने, दक्षिण चीन सागर, प्लस का मतलब जोड़, तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने का काम जो होता है वो करता है मलक्का जल संधि। वही अगर देखा जाए अलग किसको किसको कर देता है, तो इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग कर देता है, इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग कर देता है। हार्मूद जल संधि की बात करें तो हार्मूद जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ देता है। लिख लेते हैं, फारस की खाड़ी प्लस ओमान, ओमान की खाड़ी को जोड़ देता है। और अलग करने की अगर यदि जो बात किया जाए तो ध्यान रखेंगे फारस और यूएई को, फारस और यूएई को अलग कर देता है। वही अगर देखा जाए तो ईरान और अरब देश में अगर शामिल किया जाए, ईरान और अरब को अलग करती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? ध्यान दीजिएगा, विश्व की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियां जो है वो बलित पर्वत में पाई जाती है। अब ध्यान रखेंगे ये बलित पर्वत जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राचीन बलित पर्वत, प्राचीन बलित पर्वत, जबकि दूसरा होता है नवीन बलित पर्वत, प्राचीन बलित पर्वत और नवीन बलित पर्वत दो प्रकार के होते हैं। उसमें भी ध्यान दिया जाए तो प्राचीन बलित पर्वत का निर्माण की बात किया जाए तो क्लेडोनियन युग में हुआ था, क्लेडोनियन युग में इस चट्टान का, इस पर्वत का निर्माण हुआ था,
जबकि नवीन बलित पर्वत का निर्माण जो हुआ था वो तृतीयक युग में हुआ था, तृतीयक युग में इसका निर्माण हुआ है। अब ध्यान देंगे, प्राचीन बलित पर्वत के अंतर्गत विंध्य पर्वत, अरावली पर्वत, अपलेशियन पर्वत इत्यादि को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत विंध्य, विंध्य पर्वत, अपलेशियन जो कहां है यूएसए में स्थित है, इसके अलावा अरावली पर्वत को शामिल किया जाता है प्राचीन बलित पर्वत के अंतर्गत, जबकि नवीन बलित पर्वत के अंतर्गत शामिल किया जाता है हिमालय, एंडीज, रॉकी, आल्प्स, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सभी को नवीन बलित पर्वत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। लिख लेंगे हिमालय, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसके अलावा हम ध्यान देंगे आल्प्स, रॉकी, रॉकी, ये सभी पर्वत जो है वो नवीन बलित पर्वत के उदाहरण है। इसमें भी अगर आपको गहराई से क्वेश्चन पूछे तो ध्यान दीजिएगा, ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां जो है वो भी अगर अंदर से पूछेगा कि प्राचीन बलित पर्वत का है कि नवीन बलित पर्वत का, तो ध्यान देंगे ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां जो है और लंबी लंबी पर्वत श्रेणियां जो है वो नवीन बलित पर्वत के उदाहरण होते हैं। तो ऊंची ऊंची में ध्यान रखिएगा, ऊंची ऊंची और लंबी लंबी, लंबी लंबी पर्वत श्रेणियां जो है वो नवीन बलित पर्वत के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। यहां तो उस तरीका का ऑप्शन था नहीं तो डायरेक्ट बलित पर्वत मार दिए, लेकिन बलित पर्वत में भी नवीन और प्राचीन में दे तो नवीन बलित पर्वत लंबी लंबी है और ऊंची ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो इस दिए गए ऑप्शन के अनुसार अफ्रीका जो है वो सबसे बड़ा है। अगर देखा जाए इस ऑप्शन पर ध्यान ना देंगे, ओवरऑल अगर लेंगे तो एशिया जो है, एशिया महादेश जो है वह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महादेश के रूप में शामिल किया जाता है। उसके बाद आता है अफ्रीका, उसके बाद आता है तो इसको कहेंगे सेकेंड स्थान पर ओवरऑल, अब इस ऑप्शन के अनुसार फर्स्ट है, क्लियर, अफ्रीका। अगर थर्ड स्थान पर देखा जाए ओवरऑल तो उत्तरी अमेरिका थर्ड स्थान पर आता है, दक्षिणी अमेरिका का देखा जाए तो फोर्थ स्थान पर आता है, इसके अलावा देखा जाए अंटार्कटिका को फिफ्थ स्थान पर, अंटार्कटिका को फिफ्थ स्थान पर रखा जाएगा, जबकि सिक्स्थ स्थान की अगर यदि जो बात किया जाए तो यूरोप को रखा जाएगा, जो कि यहां आपका दिया हुआ है, तो सिक्स्थ स्थान पर यूरोप हो जाएगा। इसके अलावा सेवेंथ स्थान पर जो आता है नाम वह आता है ऑस्ट्रेलिया का, क्लियर। तो सातों महाद्वीप इस तरीका से याद रखेंगे, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक इसमें से नहीं है? पोटेशियम क्लोरेट है, टीएनटी जिसे पूरा रूप टीएनटी का अगर यदि जो देखेंगे तो ट्राई नाइट्रोटॉल्बिन होता है, ट्राई नाइट्रो टॉल्विन, यह ट्राई नाइट्रो टॉल्विन जो होता है वह बड़ा ही विस्फोटक होता है और इसके विस्फोटक की दर जो होती है वह 6900 मीटर पर सेकेंड होती है, 6900 मीटर पर सेकेंड होती है विस्फोटन की दर। टीएनजी की अगर यदि जो बात किया जाए तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है, यह ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है इसे नोबेल का तेल इसे ही कहा जाता है, नोबेल का तेल भी इसे कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को, और इसका प्रयोग जो होता है वो डायनामाइट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, डायनामाइट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पोटेशियम क्लोरेट जो ऑप्शन नंबर बी है यह भी एक विस्फोटक होता है, लेकिन नाइट्रो क्लोरोफॉर्म जो होता है वह कहीं भी विस्फोटक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या होता है? नीला थोथा कॉपर सल्फेट का अन्य नाम होता है सी यू
SO4 कॉपर सल्फेट के नाम से इसे जाना जाता है, या इसी को तूतिया भी कहा जाता है। तूतक तूतक तूतिया, तूतिया भी कहा जाता है कॉपर सल्फेट को, नीला थोथा को। बेकिंग सोडा की बात करें तो इसे खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है। NaHCO3 रासायनिक नाम इसका होता है। रासायनिक फॉर्मूला NaHCO3 सोडियम सॉरी बेकिंग सोडा होता है। ध्यान देंगे कास्टिक सोडा, NaOH कास्टिक सोडा का मतलब होता है धोवन सोडा, व्यापारिक नाम धोवन सोडा होता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। जबकि हाइपो जो होता है, ये भी ध्यान देंगे तो हाइपो जो होता है वह सोडियम थायोसल्फेट होता है, सोडियम थायोसल्फेट होता है। Na2S2O3, Na2S2O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का अनुभार कितना होता है, तो ध्यान देंगे भारी जल का अनुभार 20.030 ग्राम प्रति मोल होता है। तो लगभग 20 होता है, 20.030 ग्राम प्रति मोल होता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछे कि साधारण जल का अनुभार कितना होता है, तो साधारण जल का अनुभार होता है 18 ग्राम प्रति मोल। ये जो होता है 18.016 ग्राम प्रति मोल जो होता है वह होता है साधारण जल का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, तो पीतल का रंग हवा में फीका पड़ता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के चक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क होता है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क, क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम, डायस्पोर आदि सभी होते हैं। तो क्रायोलाइट एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सम न्यूट्रॉनिक होता है, अब सम न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, आइसो जिसे कहा जाता है आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक्स का मतलब अंग्रेजी में आइसोटोन्स मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो कौन सा अवयव दिया हुआ आपके ऑप्शन में जिससे न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को घटा दिया जाता है, नीचे वाला द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला परमाणु संख्या। आप घटा के देख लेंगे सभी में, इसमें घटाएंगे अगर यदि जो, तो इसका न्यूट्रॉन संख्या कितना आएगा, एन बराबर कितना आ जाएगा, जो ध्यान देंगे 6 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हुई तीनों अवयव में, नहीं हुआ तो ये नहीं होगा, इसका देख लेंगे तो 8 हो जाएगा, इसका देख लेंगे 7 हो जाएगा, इसका देखेंगे 8 होगा, ये भी समान नहीं हुआ। इसके अलावा इसका देखेंगे 6 हो जाएगा, इसका देखेंगे 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसका देख लेंगे 10 हो जाएगा, यह भी समान न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होगा। अगर इसमें से इसको घटाए यानी द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटाए तो यह कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी में समान हो गया, तो यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व कौन सा होता है, तो ध्यान देंगे यह कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न होता है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा उसके मध्य पट जो होते हैं डायफ्राम के कारण होते हैं। होता क्या है कि पक्षी दोनों ही उड़ने में सक्षम है। एक बात तो पहली बात ये हो गया कि पक्षी जो होता है वो एविस क्लास का होता है, जबकि चमगादड़ जो होता है वो मैमेलिया क्लास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर। चमगादड़ में डायफ्राम उपस्थित होता है, चमगादड़ में क्योंकि मैमेलिया है और मैमेलिया में डायफ्राम पाया जाता है, फेफड़ा के नीचे वाला हिस्सा जो रेड वाला हिस्सा है उसे डायफ्राम कहा जाता है। अब वह एयर के लिए आयतन को संग्रह करने का काम करता है, वह डायफ्राम होता है। तो चमगादड़ तो मैमेलिया है तो इसमें डायफ्राम पाया जाएगा,
डायाफ्राम पाया जाएगा, लेकिन पक्षी जो है एविस क्लास का है, जिसके कारण से इसके डायाफ्राम के स्थान पर इसमें एयर ब्लैडर मौजूद होता है, क्लियर, जिसके कारण से इसे ऊंचाई तक उड़ने के लिए पर्याप्त एयर प्रोवाइड करता है और हल्कापन शरीर को प्रोवाइड करता है। एयर ब्लैडर, वायु तक जिसे कहा जाता है, वायु कोश जिसे कहा जाता है, इसमें इसके स्थान पर वायु कोश एयर ब्लैडर पाया जाता है, लेकिन चमगादड़ में डायाफ्राम पाया जाता है क्योंकि यह मैमेलिया होता है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों के मूल रूम द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, उसे परासरण कहा जाता है, अंग्रेजी में कहेंगे तो उसे ऑस्मोसिस कहा जाता है, ऑस्मोसिस के नाम से इसे जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। पादपों में मूल रूम जो होता है वो जल और खनिज लवण दोनों परासरण प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। मूल रोम जो होते हैं वो पौधे की जड़ में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, मूल रोम पौधे की जड़ों में ही केवल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो परासरण क्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस रोग के विकृति के लिए बिड़ाल परीक्षण का प्रयोग किया था। टाइफाइड जो कि एक जीवाणु जनित रोग होता है, मनुष्य में जीवाणु के द्वारा होने वाला एक रोग होता है टाइफाइड, जिसकी जांच के लिए बिड़ाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे कि टाइफाइड का कारण क्या होता है, तो बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड हो जाता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण हो जाता है टाइफाइड नामक रोग, क्लियर। टाइफाइड बुखार के ही पता लगाने के लिए बिडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अच्छा एक चीज और, टाइफाइड को आंत की बुखार के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी फीवर ऑफ इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है टाइफाइड को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माता का रुधिर वर्ग ओ और पिता का रुधिर वर्ग ए बी है तो संतान का रुधिर वर्ग कौन सा रुधिर वर्ग होगा, ये ध्यान देंगे, तो ए और बी होगा, ए एवं बी होने की संभावना संतान में होगी। थोड़ा सा ध्यान देंगे, माता पिता वाला और संतान वाला खूब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तरफ लिखेंगे अगर माता और दूसरा तरफ अगर लिखेंगे पिता और फिर लिखेंगे संतान, ध्यान दीजिएगा, अगर माता पिता दोनों का मान लिया जाए ओ है और पिता का भी ओ है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, संतान में जो ब्लड ग्रुप जाएगा वो ओ होने की संभावना रहेगा, संभावित ब्लड ग्रुप रहेगा। अगर माता का ओ है और पिता का ओ है, इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे होने वाला संतान में ओ ब्लड ग्रुप रहेगा या तो ओ ए ब्लड ग्रुप रहेगा, नहीं जो संभावित होगा वह बी होगा और ए भी होगा, क्लियर। माता का अगर ब्लड ग्रुप मान लेते हैं ओ है और बी है पिता का, तो ऐसे स्थिति में ए और बी होने की संभावना, सॉरी ओ बी ए नहीं, ओ और बी ब्लड ग्रुप होने की संभावना संतान में रहेगा। इसी प्रकार से अगर माता का ओ है और पिता का अगर ए बी ब्लड ग्रुप है, तो ऐसे स्थिति में पुत्र को जो संतान होगा वह या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। अगर माता का मान लिया जाए ए है और पिता का भी, दोनों का ए है, पिता का भी है माता का भी है, तो ऐसे स्थिति में संतान में ए हो सकता है और ओ हो सकता है। जबकि अगर माता का ध्यान देंगे ए है और पिता का ए भी है, तो ऐसे स्थिति में ए है और ए भी है, तो ऐसे स्थिति में ध्यान रखेंगे संतान जो होगा ए होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा या ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, क्लियर। अगर माता का ए पिता का भी, तो ऐसे स्थिति में सब ब्लड ग्रुप ए भी बी भी ए बी भी और ओ ब्लड ग्रुप होने की संभावना रहेगा, क्लियर। इसके अलावा भी ध्यान देंगे, अगर माता का बी है पिता का भी बी है, तो ऐसे स्थिति में या तो बी हो सकता है और या तो ओ ब्लड ग्रुप
हो सकता है। इसी तरीका से अगर माता का बी है, पिता का ए भी है, तो संतान में जो होगा ए बी होगा। क्लियर। इसके अलावा माता का भी ए बी, पिता का भी ए बी, तो ऐसे स्थिति में ए होगा, बी होगा या ए बी वाला संतान पैदा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? अपेंडिक्स का अब कोई कार्य मनुष्य के शरीर में अब नहीं रहा। हर्बीफोरा अपेंडिक्स जो होता है वह एक वेस्टिजियल ऑर्गेन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर। यह एक वेस्टिजियल ऑर्गेन है, वेस्टिजियल ऑर्गेन है, यानी कि अवशेषी अंग जिसे कहा जाता है, अवशेषी अंग में इसे शामिल किया जाता है, जो अब कहीं भी किसी भी कार्य के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अपेंडिक्स एक पतली और छोटी सी ट्यूब होती है। सॉरी, इसकी लंबाई की अगर यदि जो बात किया जाए कि इसकी लंबाई तो 2 से लेकर 3 इंच तक लंबी यह हो सकती है। यह बड़ी आंत में जहां पर मल बनता है वहां पर यह आंत से जुड़ी हुई होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है? तो लीवर जो होता है वो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। क्लियर। यकृत जो होता है, लीवर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए ग्लाइकोजीन का निर्माण करता है और उसका संचयन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना हुआ है? तो अमीबा एक कोशिकीय है, पैरामीशियम एक कोशिकीय है और जीवाणु भी एक कोशिकीय है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत शामिल किया जाता है सभी को। तो उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से उत्परिवर्तन का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ म्यूटेशन ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था, बिल्कुल सही है। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, बिल्कुल सही है। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत वीडल एवं टैटम ने दिया था, बिल्कुल सही है। तो इनमें से सभी जो है वो आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्तक को चालन उत्तक यानी कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है? जाइलम उत्तक जो होता है उसे कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से जाना जाता है। यह पौधे के जड़ के अलावा सभी भागों में पाया जाता है जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक जो होता है वह एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंतर्गत पौधे में शामिल किया जाता है। इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम दोनों को शामिल किया जाता है। इन दोनों को कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी जटिल उत्तक कहा जाता है। जाइलम का काम होता है कि पौधे की जड़ों से भूमिगत जल को पत्ती तक पहुंचाने का काम जाइलम उत्तक करता है, जबकि फ्लोएम उत्तक पत्ती में बने हुए भोज्य पदार्थों का पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन यानी रेगुलेट्स कौन करता है? तो कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के द्वारा किया जाता है, जिसे रीकैप कहा जाता है, आरई, ध्यान देंगे, एपीएमसी। इसका पूरा रूप की अगर यदि जो बात करेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, इसका पूरा रूप होता है एपीएमसी। कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के द्वारा ही भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन किया जाता है, यानी कि उसका मूल्य जो है वह निर्धारित किया जाता है काटी गई फसल को बिक्री के लिए मंडी या उचित मूल्य दिलाने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहा जाता है और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक है, ये दोनों ही एक दूसरे का भाई है, क्योंकि दोनों को 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन
ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान अस्तित्व में आया था। अगर ध्यान दीजिएगा कि यह किनके विचारों से, क्वेश्चन पूछेगा आपको कि आईएमएफ किनके विचारों की देन है या वर्ल्ड बैंक किनके विचारों की देन है, तो आप यह भी ध्यान रखिएगा कि यह हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मेनार्ड केन्ज के विचार से प्रभावित आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों है, जिसकी स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 ईस्वी में शुरू किया गया था। लेकिन शुरुआत की अगर यदि जो बात किया जाए तो 1945 ईस्वी में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने काम करना शुरू कर दिया था। क्लियर। आईएमएफ के अभी वर्तमान प्रबंधक निदेशक की अगर यदि जो बात किया जाए तो क्रिस्टीना जॉर्जीवा, जो बुल्गारिया के हैं। आईएमएफ के प्रबंधक निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो बुल्गारिया के हैं। इसके अलावा ध्यान देंगे वर्ल्ड बैंक के वर्तमान प्रबंधक निदेशक या अध्यक्ष की बात करेंगे तो याद रखिएगा, अध्यक्ष की अगर बात करेगा तो डेविड माल्पस। डेविड माल्पस वर्तमान अध्यक्ष वर्ल्ड बैंक के हैं। दोनों की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड सम्मेलन में और काम करना 1945 ईस्वी में शुरू कर दिया गया था। शायद गलती से 54 लिखा गया, 1945 ईस्वी से कार्य करना, 1945 ईस्वी में कार्य करना शुरू कर दिया था। क्लियर। आईएमएफ का जॉर्जीवा, क्रिस्टीना जॉर्जीवा बुल्गारिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें आंसर जो आपका बनेगा, आईएमएफ एवं विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? ध्यान देंगे, लेखांकन का जन्मदाता जो है वो साइमन कुजनेट्स को माना जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। लेकिन राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रथम वैज्ञानिक अनुमान की अगर यदि जो बात किया जाए तो वैज्ञानिक अनुमान बी के आरबी राव को राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक आधार का जनक के रूप में जाना जाता है, बी के आरबी राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 का विषय या थीम क्या रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका थीम रहा है सभी जीवन के लिए साझा भविष्य का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर ए बनता है, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का 190वां सदस्य देश बन गया है? तो अंडोरा जो है वो 190वां सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है आईएमएफ में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश रिकेप RCEP समझौते में शामिल नहीं है? पहले तो इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इसका पूरा रूप होता है। अब ध्यान देंगे कौन सा देश जो है इसमें शामिल नहीं है, चीन इसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जापान इसमें शामिल है, लेकिन भारत जो है इसमें शामिल नहीं है। तो ध्यान देंगे इसमें शामिल कौन कौन सा है ये भी ध्यान रखेंगे, तो चीन ऑस्ट्रेलिया जापान तो हो ही गया, इसके अलावा ध्यान रखेंगे ब्रुनेई कंबोडिया जापान लाओस न्यूजीलैंड सिंगापुर थाईलैंड वियतनाम कोरिया मलेशिया इंडोनेशिया, ये सभी देश जो है वो इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है?
तो ध्यान देंगे, यह शुरू की गई है रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता के लिए। ऑप्शन नंबर ए में है, रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यह योजना का शुभारंभ किया गया है। इसको 10,000 रुपये का ऋण स्वरूप प्रदान किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने सिडबी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। केंद्र सरकार और सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसके तहत रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता को, वेंडर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को क्या किया जाएगा कि 10,000 रुपये का शुरुआती ऋण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का हुआ पहला देश जहां महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट्स निःशुल्क उपलब्ध कराने जाने हेतु वहां की संसद द्वारा एक कानून पारित किया है। तो ध्यान देंगे, स्कॉटलैंड की सरकार के में संसद में कानून पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है? वो है गुजरात राज्य में विधेयक पारित किया गया है। गुजरात के गांधीनगर में स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। पहले से है गुजरात के गांधीनगर में मौजूद पहले से जो है रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, इसी का नाम बदला गया है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अनिल जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित में से किसके लिए लागू होता है? तो डॉपलर प्रभाव जो होता है वो सापेक्ष गति के लिए, ध्वनि के सापेक्ष गति के लिए लागू किया जाता है। ध्यान देंगे, डॉपलर प्रभाव है क्या? जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है, ध्वनि का जब अपेक्षित स्रोत और श्रोता के बीच दोनों अपेक्षित गति होता है, तो ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है कि या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है। क्लियर? स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति ध्वनि का जब होता है तो उसकी आवृत्ति, ध्वनि का आवृत्ति घटता है या तो बढ़ जाता है। इसे ही डॉपलर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि कब घटता है कब बढ़ता है। अब कोई ट्रेन है, कोई रेलगाड़ी है, डॉपलर साहब ने उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल दिया था रेलगाड़ी का। अब रेलगाड़ी है और आप स्टेशन पर खड़े हैं, तो ऐसे स्थिति में इंजन सीटी बजाते हुए श्रोता के निकट आता है, यानी दूर स्टेशन से जब कोई ट्रेन आ रही है, आप स्टेशन पर खड़ी है, तो ऐसे स्थिति में उसकी ध्वनि, ट्रेन की ध्वनि जो होती है बड़ी तीखी होती है, अर्थात अधिक आवृत्ति को लेकर आपको सुनाई देती है, जिसके कारण से बड़ी सुरीली सुनाई देती है। जब आ रही है तब बड़ी सुरीली सुनाई देती है क्योंकि आवृत्ति अधिक होता है, लेकिन जब श्रोता से दूर जा रही होती है ट्रेन, जब स्टेशन से खुलती है, आप स्टेशन पर मौजूद है, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि आवृत्ति बहुत ही कम होता है और बहुत फटे हुए बांस की तरह हुआ बजता है। यही डॉपलर प्रभाव होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? ससंजक बल। देखिए दो गो स है, दोनों एक के अणु जैसा लग रहा है कि नहीं? दोनों एक ही अणु जैसा लग रहा है, जैसे हीरा एक ही अणु से बना हुआ है, अपने आपे से बना हुआ है, तो उन दोनों के बीच ससंजक बल का मान, उन हीरा के बीच आपस ही में अणु, हीरा के अणुओं के बीच आपस में ससंजक बल का मान अधिक होता है, जिसके कारण से तो वह ज्यादा क्रिस्टल होता है, जटिल होता है। तो वह पदार्थ जो अपने ही अणु से मिलकर बना हुआ होता है, उसके बीच अपने ही अणुओं के बीच बल जो होता है वह ससंजक बल कहलाता है। लेकिन अलग अलग अणु, मान लिया जाए कोई पेन है और यह कागज है, पेन कोई इंक जो है वो अलग अणु से मिलकर बना हुआ है और कागज जो है वो अलग अणु से मिलकर बना हुआ है, तो इन दोनों के बीच जो बल कार्य करेगा वो उसको कहेंगे असंजक बल। कहने का मतलब है आओ और हम दोनों मिल जाओ, तब जाके कागज पर पेन से लिखेंगे तब बेचारा इस पर लिखाएगा, उसको कहेंगे असंजक बल, मतलब आओ और मिल जाओ, यानी अलग अलग अणुओं वाले पदार्थ के बीच असंजक बल कार्य करता है, लेकिन एक ही अणु वाले पदार्थों के बीच ससंजक बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु संहति, संहति का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होता है? तो किसकी संख्या के योग के बराबर होता है? तो ध्यान देंगे, यह
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित इसमें से नहीं है? तो गति विषयक नियम न्यूटन ने दिया, बिल्कुल सही है। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया, बिल्कुल सही है। विद्युत आकर्षण का नियम जो है वह ओम के द्वारा नहीं दिया गया था। क्लियर, विद्युत आकर्षण का नियम जो है वह कूलाम के द्वारा दिया गया था, कूलाम के द्वारा दिया गया था। बाकी लॉगरिथम नियम जॉन नेपियर ने दिया था, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य वे ध्वनियां होती है जिनकी आवृत्ति होती है, श्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि और अपश्रव्य ध्वनि। क्लियर, आवृत्ति के आधार पर तो ध्वनि तीन ही प्रकार का होता है ना, एक श्रव्य ध्वनि जिसकी आवृत्ति परिसर जो होती है वो 0 से लेकर 20 हर्ट्ज के बीच पाई जाती है, जिसे श्रव्य ध्वनि सॉरी अपश्रव्य ध्वनि कहा जाता है, 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक। जबकि 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि जो होती है उसे श्रव्य ध्वनि कहा जाता है, और पराश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर बनता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक के ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। क्लियर, इसको सुनने के लिए कुछ जानवर ही अवेलेबल होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ या बड़े ध्वनि स्रोत जो होते हैं वह अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा गया है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। क्लियर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर होगा। अब ध्यान देंगे, मुख्य फोकस पर अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? ध्यान रखेंगे, प्रतिबिंब जो बनेगा वह अनंत पर बनेगा। क्लियर, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच अगर यदि जो रखेंगे, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा। जबकि अगर वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब वक्रता केंद्र के परे भी कहता है, वक्रता केंद्र के परे भी कहता है। क्लियर, परे का मतलब अब आगे या पीछे कुछ ऐसा रहता तब तो हो पाता। तो फ्रेंड्स, ये 75 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा रहा, ये सेट नंबर 58 का, आप कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दिया कीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट के लिए और आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप इसका रिवीजन एक बार जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले से प्रैक्टिस में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए और अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाइए। आगे आने वाला बहुत सारा एग्जाम है जिसको लेकर आप तैयारी में लगे हुए रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।